फोन बज रहा है। हेलो हेलो, मुझे सर से बात करनी थी, कुछ ऑफिस का काम है। वो थोड़ा बिजी है, आप बाद में बात करेंगे? उन्हें बोलना कि मुझे कॉल कर लें। हाँ बिल्कुल, मैं बोल दूंगी। ओके ओके, बाय। किसका फोन था? तुम्हारे बॉस का फोन था। ओह, वो भी एक पल रह नहीं पाता मेरे बिना। हाँ तो ठीक है, मैं क्या कह रहा था। हाँ सुनो ना, उसको किसी दिन डिनर पे बुलाते हैं। डिनर पे? हाँ तो बुलाओ। मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथ का अच्छा खाना खाए और उसका भी माइंड फ्रेश हो जाए। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा घर, तुम्हारे बॉस और मैं तो जानती हूँ, तुम उनके बिना रह ही नहीं सकते। ओ, सारी तुम्हें मेरी प्राइवेसी पता है। ये लो टॉवल, मैं आज जॉब पे जा रहा हूँ। ठीक है, शाम तक आ जाऊँगा। ठीक है, ओके, चलो बाय। हेलो। हाँ भाई, मैं निकल चुका हूँ। हे भगवान, कैसे पार होगी जिंदगी? अब आप ही कुछ रास्ता निकालो, ऐसे तो मैं निठल्ला ही रह जाऊंगा प्रभु। और सुशील, क्या बात है, बड़ा उदास नजर आ रहा है। क्या बताऊं यार, तुम्हें तो पता ही है ना किस कंपनी में मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ। सबसे पुराना एम्प्लॉय मैं ही हूँ और आज तक ना मेरी कोई प्रमोशन हुई और ना ही कोई पोस्ट मिली। और तुम्हें तो पता है कि अब महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, फैमिली को लेकर बहुत कुछ है जो तुम तो समझ सकती हो। और तुम्हें देखो, तू 2 साल में आई और तुम्हें डबल प्रमोशन, दुबई की ट्रिप, अमेरिका की ट्रिप, और हर साल में तुमको कम से कम 1 महीने की छुट्टी भी मिल जाती है। अरे इतना निठल्ला रहेगा ना तो ऐसा ही रहेगा यार, कुछ कर ना, कोई गेम खेल। लाइक तुम्हारी शादी हो गई ना, अपनी बीबी के थ्रू ही बॉस को इम्प्रेस कर दे। कैसी बात कर रही हो यार, तुम तो एक लड़की होते हुए तुमको नहीं समझ में आ रहा। अरे इसमें गलत क्या है, मैंने तो बॉस को इम्प्रेस किया ना। अच्छा तो ये राज है। हाँ देख, मेरा काम था तुझे एडवाइस देना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ओके, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, सोच लेना एक बार। हे भगवान, ये क्या उल्टा सीधा गेम चल रहा है प्रभु। साला मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मैं वही का वही, और वो 2 साल की आई लड़की। हे भगवान, इतना इतना का फर्क है, मैं यहाँ वो यहाँ, मैं यहाँ वो यहाँ। बॉस कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आज दिन में आप दिखे नहीं। आया, थोड़ा बिजी था। अच्छा, मुझे आपसे एक छोटी सी बात करनी थी, फ्री हो क्या आप? अरे थोड़ा सा बिजी था ज्यादा। अच्छा सुनो ना, मैं आपको एक खाने का छोटा सा दावत देना चाहता हूँ, क्या आप हमारे घर पे आओगे? बिल्कुल आऊंगा। क्या बात है, आपने तो मतलब हाँ बोल के मुझे मेरे दिल को तसल्ली दे दी। अरे यार दोस्त हो मेरे, आऊंगा ना आऊंगा, जरूर आऊंगा। थैंक यू, चलता हूँ मैं। ओके ओके, थैंक यू, वेलकम। हेलो। अरे यार 2 करोड़ रुपए मेरे फंसे पड़े हैं, कब आएंगे बताओ, जल्दी से उसको करो यार, जल्दी करो उसको। सुनो ना। बोलो। तुमको तो पता है यार कि मैं अपनी कंपनी में कितने समय से काम कर रहा हूँ, 8 साल लगभग हो गए, लेकिन अब तक मुझे प्रमोशन नहीं हुआ। मैंने अपने बॉस को इनवाइट किया है, ऐसा कुछ बनाओ कि वो इम्प्रेस हो जाए। तो क्या बना रही हो? टेंशन मत लो, मैं ऐसा खाना बना रही हूँ चुटकियों में इम्प्रेस हो जाएंगे, समझे? मैं वही तो कहने वाला था कि तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। तुम इतना अच्छा खाना बनाना कि शायद वो मुझे मेरा प्रमोशन करने के लिए विवश हो जाए। तो ऐसा बना क्या रही? सरप्राइज है। सरप्राइज है? तुम मुझे भी नहीं बताओगी? नहीं, सिर्फ तुम्हें मेरे साथ किसी ने हेल्प करनी पड़ेगी। चलो क्यों नहीं कराऊंगा, चलो जल्दी चलो। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज खाना बनाया आपने।
जैसा कि तुमने बताया था कि मेरी बीवी अच्छा खाना बनाती है, उसे कहीं ज्यादा अच्छा खाना बनाया है आपने। आखिर बीवी किसकी है? तुम्हारी ही है। जी चाहता है कि आप इन हाथों को चूम लो। आपकी परमिशन हो तो। अच्छा मजाक कर लेते हो बॉस, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, तुम्हें दोबारा अगर खाना खाने की इच्छा हो, मन करे तो आ जाना, तुम्हारा ही तो घर है, क्यों निहारिका? आऊंगा, जरूर आऊंगा, इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना खाने तो मैं आता रहूंगा। एक तो मैं बात बोलता हूँ, तुमको होटल में खाना खाना तो छोड़ ही दो, तुम रोज जाओ, तुम रोज खाओ। होटल में बहुत गंदा खाना देते हैं। वैसे निहारिका जी, इतना अच्छा खाना आपने बनाया था, वैसे आप भी बहुत ही सुंदर हो। तुम्हें कोई तो दिक्कत नहीं है ना? मुझे क्या दिक्कत होगी? जिसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना तो वैसे ही बनाना है, तो तुम आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कमी नहीं है आपके अंदर। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम रुकोगे या जाओगे? नहीं नहीं भाई, जरूरी काम है, जाना पड़ेगा मुझे। अच्छा। बहुत बड़ी डील मिली है तो जाना पड़ेगा। आऊंगा जरूर। चलो ठीक है, मिलते हैं। तुमको तो पता है यार कि मैं अपनी कंपनी में कितने समय से काम कर रहा हूँ, 8 साल लगभग हो गए, लेकिन अब तक मुझे प्रमोशन नहीं मिला। मैंने अपने बॉस को इनवाइट किया है, ऐसा कुछ बनाओ कि वो इम्प्रेस हो जाए। तो क्या बना रही हो? ऐसे मत लो, मैं ऐसा खाना बना रही हूँ चुटकियों में इम्प्रेस हो जाएंगे, समझे?